वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। मेरा नाम है शुभम वार्ष्णेय और आज हम बात करेंगे आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट की। ये टॉपिक आपकी तीनों ही एसएसबी में काम आएगा, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। और ये टॉपिक आपको मिलेगा जीटीओ पर्सनल इंटरव्यू और लेक्चरेट में असेसर के द्वारा। अब देखिए, ये टॉपिक इस टाइप का टॉपिक है, ये एक एवरग्रीन टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक हमेशा कॉन्ट्रोवर्सी में रहता ही है। और ये अगर आपको ये याद है, इसके फैक्ट्स याद हैं, तो आपके लिए ये टॉपिक असेट की तरह काम करेगा। आप जीडी में इसे लगा सकते हैं, लेक्चरेट में ये आपका टॉपिक आ सकता है, तो वहां पर ये कहीं ना कहीं आपको मिलेगा ही मिलेगा। और आप अगर आपके बहुत सारे दोस्त हैं जो कि डिफेंस एस्पिरेंट, तो बताएंगे कि आपको हर दूसरी एसएसबी में ये टॉपिक मिल जाता है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। देखिए, हमें आसपास को समझने के लिए पहले उसकी हिस्ट्री समझनी होगी। देखिए, क्विट इंडिया मूवमेंट जो हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी ने जब चालू किया, तो उसके अगेंस्ट में वाइसरॉय ललित गोव ने एक ऑर्डिनेंस पास किया जो कि आसपास जैसा था, जिसमें जितने भी रिवोल्यूशनरी लीडर्स थे या कोई भी लोग थे उनके अगेंस्ट इसे यूज किया गया। बट आजादी के बाद इसे हटा दिया गया। पर 1958 में इसका एहसास हुआ कि हमें ये एक्ट चाहिए टू सस्टेन अ बॉन्ड बिटवीन द स्टेट एंड यूनियन ऑफ इंडिया। अब ये जब आया आर्म फोर्स पावर स्पेशल पावर एक्ट, तो रिसेंटली न्यूज में भी बना रहा। रीजन क्या था, अगर 6 महीने पुरानी न्यूज देखें, मतलब अक्टूबर नवंबर 2018 की, तब एक न्यूज आई कि आसपा को हटा लिया गया है मेघालय से और सर्टेन प्लेसेस ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो ये आसपा लगाया कहां जाता है? ये आसपा लगाया जाता है डिस्टर्ब एरिया में। अभी डिस्टर्ब एरिया में लगाया जाता है, तो आर्म फोर्सेस को ये एक स्पेशल पावर दे देता है। क्या? कि कहीं भी 5 से ज्यादा लोगों को वो इकट्ठा होने नहीं देंगे। दूसरी बात कि वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं एक रीजनेबल सस्पेशन पे, कि वहां पर उन्होंने कुछ गलत तो नहीं किया या उनको कुछ गलत लग रहा है, और बिना वारंट के किसी के भी घर को सर्च कर सकते हैं। अब ये आसपा इंप्लीमेंट कौन कर सकता है? ये आसपा इंप्लीमेंट कर सकता है गवर्नर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्टेट गवर्नमेंट इसका सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकती है कि यहां पर हमारे प्रदेश में इसे लगाने की बहुत बहुत जरूरत है। सबसे पहले जो आसपा लगा वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लगा। रीजन बिहाइंड क्या था कि ये जो आप देख रहे हैं, इसे बांग्लादेश है, आप जानते होंगे। तब 2 वॉर लड़ी गई इन द पास्ट। क्या थी वो? 1962 और 1971। 62 थी चाइना के साथ, जो कि हमारे लिए एक शौक था, और 71 थी पाकिस्तान के साथ, जिसमें बांग्लादेश, ये जो मैंने आपके लिए सर्कल किया था, वो आजाद हुआ था। बिफोर 71 वॉर, यहाँ पर कई सारे बांग्लादेशी एज अ रिफ्यूजी आई मीन टू से हिंदुस्तान में आने लगे, और कहीं ना कहीं यहाँ पर रिसोर्सेज की शॉर्टकमिंग होने लगी। ये एरिया ऑलरेडी डेवलप नहीं था और यहाँ पर रिसोर्सेज और शॉर्ट हो गए। चाइना का कहीं ना कहीं यहाँ पर दबदबा रहा 62 की वॉर में, जिसकी वजह से यहाँ पर और पॉवर्टी और कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में लैकिंग होने लगी। अब देखिए, कोई भी जगह हो जहाँ पर कोई एम्प्लॉयमेंट ना हो, डेवलपमेंट ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, कोई बिजनेसमैन आके इन्वेस्ट नहीं करना चाहता हो, रीजन बिहाइंड कि वो एरिया अनस्टेबल है, तो वहां पर कहीं ना कहीं एक एग्रेशन आएगा और लोग इंसर्जेंसी और मिलिटेंसी जैसे ग्रुप्स के साथ वो जुड़ना चाहेंगे। तभी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 2 ग्रुप बहुत ही प्रोमिनेंटली आए, जिनका नाम था यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट एंड नेशनल डेमोक्रेटिक बोडोलैंड। और कहीं ना कहीं ऐसे ग्रुप्स को जो फॉरेन पावर होती है, जो कि आपके देश की एनिमी होती है, वो इनको सपोर्ट करनी स्टार्ट कर देती है। अब देखिए, जब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हो गया, उसके बाद भी आसपास हमारे देश में कई जगह और जरूरत पड़ी, जैसे कि पंजाब और चंडीगढ़। खालिस्तान मूवमेंट आपको याद होगा, इंदिरा गांधी जी के टाइम में हुआ था। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में 90s के बाद, स्टार्टिंग ऑफ 90s के बाद इंसर्जेंसी स्टार्ट हो गई, जो कि अब तक चल रही है। तो यहाँ पर आसपा की जरूरत हमें पड़ी। बट आसपा में एक बहुत ही बड़ी खामी है। वो खामी क्या है कि वो 3 आपकी सिविल राइट छीन लेता है। क्या? राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू असेंबली। ये तीनों जो राइट्स हैं, ये आपको बतानी होंगी आसपा में जब आप समझा रहे होंगे। बट तभी आपसे काउंटर सवाल आएगा कि ये जो तीनों राइट हैं कौन से आर्टिकल के अंडर आती हैं। तो आपको बोलना होगा अंडर आर्टिकल 20 एंड 21। अब देखिए, जब आप आसपा के बारे में बता रहे हो, आपने इतनी फैक्ट फाइल बता दी हो, तो आपके लिए एक बात आएगी, आपको रीजनेबल वे में बताना होगा, वरना ये सब तो विकिपीडिया से भी उन्हें मिल जाएगा। आपको बताना होगा, सर आसपा एक नेसेसरी इवल है जो कि एक देश को बांधे रखता है जब मिलिटेंसी या इंसर्जेंसी बढ़ जाती है किसी स्टेट में या किसी टेरिटरी में। ठीक, तो जब आप ये सब कंप्लीट करके चुकोगे, तो असेसर आपसे कहेगा कि
आपको नहीं लगता आसपा का विरोध हिंदुस्तानी लोग ही करते हैं कि भाई कहीं ना कहीं उनकी सिविल राइट गायब हो रही है और उनकी जरूरत नहीं लग रही? तब आप एक एग्जाम्पल दोगे, सर इरोम चानू शर्मिला इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जिन्होंने 16 साल फास्ट किया सिर्फ आसपा उनके स्टेट से हटने के लिए, और आज वो कहीं ना कहीं इलेक्शन के लिए खड़ी है मणिपुर में। अब ये एक बहुत बड़ी जीत है हिंदुस्तानी सरकार के लिए, क्यों? नॉर्थ ईस्ट इंडिया एकमात्र एक ऐसा जगह है जहां पर 80% वोट परसेंटेज है, मतलब वहां के लोग आज की तारीख में ये मानते हैं कि डेमोक्रेसी एक तरीका है शांति से जीने का किसी भी स्टेट या प्रदेश में। और कहीं ना कहीं उनका ये मानना है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ हिंदुस्तान की हो रही है हमें उसका पार्ट बनना है, तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। इराम चानू शर्मिला ने जो किया वो उनके लिए अपनी तरफ से अगर देखा जाए उनके स्टेट की तरफ से तो वो सही है, बट कहीं ना कहीं जैसे मैंने पहले कहा था कि एक बॉन्ड अगर हमें रखना है यूनियन ऑफ इंडिया के साथ तो आसपा वहां पर एक नेसेसरी इविल का तरह काम करेगा और हमें वहां पर जरूरत रहेगी। चलिए ये होता है हमारी वीडियो का एंड। अब देखिए वीडियो के एंड से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैंने कुछ रिकमेंडेड कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लिया था, उनमें से एक थे प्रज्ञांशु और दूसरे थी राधिका। मैं चाहता हूं ऐसी और लोगों का मैं इंटरव्यू लूं, उसमें मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए। आप डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, आपके दोस्त रिकमेंड हुए होंगे, तो प्लीज उनके बारे में मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं और मैं उनका इंटरव्यू जरूर लेना चाहूंगा, उनसे कॉन्टैक्ट करूंगा मैं। और इसके साथ मेरा ये एक इंस्टाग्राम पेज है, उस पर जाके आप मुझे फॉलो करें प्लीज, वहां पर आपको इसी तरह नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। एंड मेरा एक फेसबुक पेज है, वहां पर भी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी और वहां पर आप मुझे मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। अब दोस्तों जब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कोई चीज लिखते हो तो आप कहते हो सर ये बना दो, सर ये कर दो, या सर इसका जवाब क्या होगा? यार मैं कोई सर नहीं हूं, आपकी तरह एक डिफेंस एस्पिरेंट हूं, तो जब भी आप कुछ टाइप करो मेरे लिए या मेरे को रिप्लाई करना हो तो उसमें आप टाइप करो @वाशने या #वाशने और श्योरली मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।